Thank you, Deputy Chairman Sir. Sir, आज ये जो insolvency और bankruptcy code जो है, इस जो ये जो bill बनाया गया था, mic on कर, जो करवा, इस bill को बनाने के लिए जिस committee का गठन किया गया था, उस committee में हमारे साथी सांसद भूपेंद्र यादव जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। सर आज बहुत से दोस्तों ने, बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर श्री चिदंबरम जी ने भी कई अपनी बातों को रखा, लेकिन मोर और लेस सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि दिस इज नीड ऑफ द टाइम, दिस अमेंडमेंट कोड इज नीड ऑफ द टाइम। सर ये जो कोड जिस इंटेंशन जरूरत की वजह से लाया गया है वो बहुत जरूरी है। देश में कई कंपनियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोन्स नहीं चुका पा रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है, एनपीए हो रहे हैं, हो चुके हैं। सर ये सरकमस्टांशियल एनपीएस हैं या विलफुल हैं, ये एक अलग जांच का विषय है। सरकार इसमें अपना काम कर रही है। सर आईबीसी को लाया इसीलिए गया था कि जो कंपनियां एसेट वर्दी है, जिनके पास में एसेट्स भरपूर हैं और लोन नहीं चुका पा रही हैं, एनपीए हो गई हैं, वो कंपनी अगर प्रमोटर्स उसको अपना आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं और आईपीआर के प्रोसेस के द्वारा नए इन्वेस्टर लाकर उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, इसका सरकार समर्थन करती है, इसको कराना चाहती है, इसीलिए इस कोड को लाया गया। सर इससे सब में बड़ी बात जो है कि देश का इकोनॉमी तो ठीक रहेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बरकरार रहेगा। सर सारी दुनिया में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो कोड है वो एक वेल डिफाइंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है। सर इस प्रोसेस के दौरान ये देखने में आया कि कुछ कंपनियां जिन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, उन्होंने बाद में कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर सामने लाकर उनकी खुद की कंपनियां जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुके उसको टेक ओवर करने का प्रयास कर रही है। ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सर इससे डाउट क्रिएट्स हो जाते थे। सर ये एक पूरी सीक्वेंस है, इसको ध्यान से देखना होगा कि पहले लोन लिया, रीपे नहीं किया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और बाद में नए इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर खुद उस कंपनी को फिर से टेक ओवर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर ये एक सिस्टमेटिक डिलीवरेट लोन न चुकाते हुए अपनी कंपनी को एक हेयर कट के माध्यम से खुद के कंट्रोल में रखने का प्रयास है। सर मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि किस सेक्शन में क्या प्रोविजन है, जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो उसमें ये सारी चीजें विस्तार से आ जाएगी। सर इस समस्या को रोकना बहुत जरूरी था, इसलिए ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के द्वारे तुरंत लाया गया। इसमें साफ कहा गया है कि आपकी कंपनी जो एनपीए हो चुकी है उसे आपको टेक ओवर नहीं करने दिया जाएगा, और अगर करना है तो पहले आप उसका जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है उसको पे करिए, बैंक अकाउंट रेगुलराइज करिए। इससे आपका इंटेंशन साफ दिखाई देता है कि नहीं, हम लोग इस कंपनी को वास्तविक में चलाना चाहते हैं, हेयर कट के माध्यम से अपने कंपनी को कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सर इससे जो फिर से जो प्रमोटर्स बिड चाहते हैं उनसे उनके इंटेंशंस जो है वो काफी साफ नजर आ जाते हैं। सर कई वक्ताओं ने अपनी बात में कहा कि छोटे लोगों को इसमें छोड़ देना चाहिए। सर कानून जो है वो चाहे बड़ा डिफॉल्टर हो या छोटा डिफॉल्टर हो उसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता है, ये मेरे समझ के बाहर की चीज है। सर मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है, सपोर्ट द नीडी एंड पनिश द गिल्टी। इसी भावना को ध्यान में रखकर गरीबों के खून पसीने का जो पैसा है, उनकी जो कमाई है, वो गलत हाथों में न चले जाए, इसी भावना को ध्यान में रखकर भी इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था, इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया है। सर इस अमेंडमेंट के, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद में अगर हम लोग कुछ पुरानी चीजों को ध्यान दें, सर इससे बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत हुई है।
शेयर मार्केट में बैंकों के जो शेयर्स की प्राइस है वो जिस दिन से इस ऑर्डिनेंस लाया गया और बाद में अमेंडमेंट बिल लाने की चर्चा की गई उसके बाद से लगातार उनके जो सेंसेक्स की प्राइजेस है उसमें इजाफा हो रहा है। लोगों में एक डर भी बैठ गया है कि भाई अगर जिसको हम कहते हैं कि फियर ऑफ गॉड, अगर हम लोग गलत तरीके से काम करने जाएंगे तो हमको इस तरीके से खुद की कंपनी को टेक ओवर करने नहीं दिया जाएगा। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अगर हम अखबार देखें तो आज ही के अखबार में लिखा है कि देश का एक बड़ा कॉरपोरेट हाउस जिसका इस देश के इकोनॉमी में एक समय बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम खुद की कंपनी को बिड करना चाहते हैं फिर से टेक ओवर करने के लिए, इंसॉल्वेंट कंपनी को लेना चाहते हैं लेकिन हम पहले इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार हैं, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो जो अपने एसेट्स हैं उसको फिर से रेगुलराइज करना चाहते हैं। सर इस बिल को जब आईबीसी को जब लाया गया था तो देश की इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रख के सभी दलों ने उस भावना के साथ इसको पास किया था कि इससे हमको आर्थिक मजबूती मिलेगी। मैं आज आपके माध्यम से सारे सदन से सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस अमेंडमेंट कोड को भी उसी भावना के साथ पास करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।